हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में ऊर्जा निगम में यानी कि UPCL में हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से टेम्परेरी बेस पर 1 ईयर के लिए जो है डिप्लोमा होल्डर और बीटेक होल्डर के जो अप्रेंटिसशिप कर रहे थे उनको जो है मौका दिया जा रहा है। और उसके अलावा जो है उन्होंने ओपन फॉर्म जारी कर दी है, जिसके इंटरव्यू के थ्रू आपको प्योरली रखा जाएगा। कैसे रखना है सारा कुछ डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा निगम में आज और कल JEE और JEE की भर्ती होंगे। हालांकि थोड़ा सा मैं लेट होगा क्योंकि आज की जो वैकेंसी आज तक आप तक नहीं पहुँच पाई, उम्मीद करता हूँ ऑलरेडी पहुँच गई होगी। अगर आपने आज मिस कर दिया तो कल के दिन आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है ऊर्जा निगम में आज और कल सहायक अभियंता AE और अवर अभियंता AE के पदों पर जो है खुली भर्ती की जा रही है। इसके लिए जो योग्यता होगी वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, उसके लिए इंटरव्यू के थ्रू है। उसके अलावा यहाँ पर ऊर्जा निगम ने मैनेजमेंट ने वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर जुटाने की कोशिश की। जैसे कि आपको पता है कि ऊर्जा निगम में काफ़ी दिनों से हड़ताल हो रही, हालांकि एक दिन पहले ही AE JEE के पदों की भर्ती को लेकर विज्ञप्ति जारी किए जाने के लिए काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल ये भर्ती पूर्ण रूप से अस्थायी रूप से होगी, परमानेंट नहीं होगी। हालांकि उसमें कहा जाए तो उनको हटा के नया कर जाए, लेकिन ऊर्जा निगम की ओर से जारी विज्ञप्ति में प्रदेश में विद्युत वितरण कार्यों को सुचारू संचालन के लिए AE और JEE के पदों पर खुली भर्ती की जा रही है। 3 निगमों की ऊर्जा कर्मियों ने 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पहले जो ये 4 और 5 अक्टूबर को ऊर्जा निगम की भर्ती होगी, यानी कि 4 और 5 को ये जो है आपको इंटरव्यू के माध्यम से ले जाएंगे। अब मैं बता दूँ, ये देख सकते हैं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है। वॉकिंग इंटरव्यू है जहां पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की ओर से 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को ये इंटरव्यू होंगे। कहां पर होंगे? अगेंस्ट फॉलोइंग पोजीशन प्योरली टेम्पररी बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, इनिशियली मैक्सिमम पीरियड ऑफ 11 मंथ के लिए यहाँ पर होगा। असिस्टेंट इंजीनियर ENM और जूनियर इंजीनियर ENM के लिए जो असिस्टेंट इंजीनियर होंगे उसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल पावर इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और दो इंजीनियरिंग ब्रांचेस विच हैव द वर्ड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी शुड हैव कंप्लीट AMI उनके पास जो है होना चाहिए ENB के लिए। और जूनियर इंजीनियर के लिए 3 ईयर के आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सेम में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कि होनी चाहिए। अब आपको क्या इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? एज लिमिट आपकी 42 ईयर्स के आसपास होनी चाहिए मैक्सिमम एज लिमिट, और रिलैक्सेशन होगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के रूल के अनुसार। अब आपको क्या करना है? डिजायर कैंडिडेट में अपेयर अलॉन्ग विद देयर CVs मेंशनिंग द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के साथ आपको आना है। और उत्तराखंड जो है आपको 2 फोटोग्राफ भी यहाँ पे लाना है। कहाँ पर आना है आपको जो है नीचे आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर जो है एड्रेस चल रहा होगा, तो वहाँ पर जो है आपको आना है कि पार्टिसिपेंट शैल नीदर बी इंटाइटल, और किसी तरह का इसमें आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपको जो है परमानेंट यहाँ पर नौकरी नहीं चाहिए। यानी कि जो इंटरव्यू डायरेक्टर HR उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह ऊर्जा भवन केनवाल रोड देहरादून में यहाँ पर आपके ये जो है इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल किए जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पर पहले तो ये होता था कि अप्रेंटिस वगैरह जो कर रहे हैं उनको जो है उसमें लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर खुला ओपन भर्ती जो है यहाँ पर कर दी गई है।